पानी का फ्लो इतना तेज है। यार हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे सिर्फ, और मतलब कुछ ही मिनटों में ये हालत होगी, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, बुरे तरीके से फंस चुके हैं। हेलो यू वंडरफुल पीपल, कैसे हो सारे, आए हो, बढ़िया हो, बिंदास हो। तो भाई साहब रात को के आने के बाद हम बॉस आए थे रूम में और खाना वाना खा के सो गए थे, नींद बहुत ज़्यादा आई थी। और मैं आपको बता दूँ इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी बारिश बॉस अपने जम्मू में मैंने कभी नहीं देखी, और ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है। लेट मी शो यू भाई साहब, क्या मतलब इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उस जगह पे इतना सारा पानी आ रहा है आगे इस वाले पेड़ के पीछे, ओ माय गॉड। यार जब हम कल आए थे ना उस टाइम पे यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा पानी भर गया बॉस की रोड्स के बीच में। यहाँ पे रात को बैठ के हम कर रहे थे चिल भाई, और अभी की हालत देखो यहाँ पर। फिलहाल जो हमारा आज का प्लान था वो ये था कि अभी हमने निकलना था बीर व्हीलिंग, और बीर व्हीलिंग होगा यहाँ से ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर 85 किलोमीटर के अराउंड। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बारिश में निकल के कोई अच्छी हम अपना दिमाग चलाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके लगने वाली अगर इस बारिश में निकलते हैं तो। वैसे भी ट्रिप के पहले दिन से ही अपनी वाट लग रही है तो, और एल लगे पड़े हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी निकलना यहाँ से सही होगा। तो इसीलिए हमने रूम को अपने एक्सटेंड कर दिया है, और ये अभी आ गया अपना ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, तीन तीन चाय। बंदे हम दो हैं लेकिन तीन आलू के पराठे तीन चाय, भाई क्या बोलती पब्लिक फिर। अभी क्या बोलेगी, बुरी हालत हो रखी है आपके सामने है। एनीवे चलो पहले ठूसते हैं ब्रेकफास्ट, भाई साहब पेट में जाएगा कुछ तो, फिर जाके अंदर एनर्जी आएगी। तो देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं, तो जो भी होगा देखा जाएगा। 5 minutes later बस कुछ घंटे पहले ये जगह बिल्कुल साफ थी, और अभी देख सकते हो कि बुरी हालत है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले इन शॉप्स को हमने देखा था, और अभी इनके अंदर पानी भर चुका है, और ये देखो गाड़ी, ओ भाई ये सारा का सारा जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी के साथ पत्थर बह के आ रहे हैं ना, पानी के साथ जो पत्थर बह के आ रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। पत्थरों से बच के आना, पत्थरों से बच के भाई। ओ भाई भाई बहुत बुरी हालत है यार। यार हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे सिर्फ, और मतलब कुछ ही मिनटों में ये हालत होगी, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, बुरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जो हमारा होटल है वो पानी के बहाव के उस साइड है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई साहब। बिल्कुल भी मत आओ यार, हमारे देखते ही देखते कितनी गाड़ियाँ बह गई, और लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, वो देखो अंदर एक गाड़ी, बलेनो गाड़ी है सामने, पूरी की पूरी पानी में आगे से पूरी फंस चुकी है। पार्किंग, ये पार्किंग है पीछे सारा, और अंदर बहुत सारी गाड़ियां फंसी हैं इसके अंदर, बाइक्स हैं बहुत सारी भाई, सोचो भी मत। और ये जितना भी जो पानी है ना बॉस, ये जितना भी पानी है इतना ठंडा चिल पानी की पाँव में दर्द कर रहा है। तो भाई साहब बिल्कुल भी मत आओ, हम बुरे तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे।
ये हालत है अभी मकलोड़गंज की। तो बॉस अभी आ चुके हैं हम अपने रूम में वापिस, और जो हमने आज हालत देखी है बाहर, जो सिनेरियो देखा, दिल दहल गया था बॉस। और ऐसे लोगों को इतनी सारी मुसीबत में देख के मतलब हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, बहुत बुरी लगती है। और हमारे देखते देखते ही बॉस कितनी सारी स्कूटीज एक्टिवा थी जो पानी में बह गई और उनका कुछ अता पता ही नहीं चला, और कितनी सारी बाइक्स बही हैं और गाड़ियाँ कितनी सारी बही हैं, एक दूसरे के साथ जाके वो कोलैप्स कर गई। और बॉस क्या नुकसान हुआ लोगों का। और लिटरली जब हम गए थे ना उस टाइम पे साफ लग रहा था सब कुछ, बट कुछ ही सेकंड्स में ऐसे आवाज़ आई थी बादलों की, कुछ थंडरिंग की काइंड ऑफ, कुछ मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। और पानी अचानक से आहिस्ता बढ़ गया, हमें कुछ हमें लगा कि नॉर्मल है, बट वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और बाद में जो सिनेरियो बन गया वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और बॉस अगर आपका प्लान बन रहा है इस टाइम पे घर से कोई भी बाहर मत निकलो, बिल्कुल भी मत सोचो बाहर घूमने का, क्योंकि घूमने का सीन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इवन हम खुद फंस गए थे पानी के उस साइड में, जो पानी की उस साइड में जो फ्लो आ रहा था, और उस पानी में ना इतने बड़े बड़े पत्थर बह के आ रहे थे कि उसको क्रॉस तक नहीं कर पा रहे थे हम। तो फिर जो पुलिस है यहाँ की उसने हेल्प करी और हम सेफली अपने रूम में पहुँचे। ठीक है, जो भी है सब बढ़िया, आई होप सब ठीक है, सब बढ़िया हो। तो विद दैट सेड गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। चल दन, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो अपनों के पास रहो। बाय बाय।